शिकाना की रोबोट आर्मी अब खत्म हो चुकी है। बर्डमैन, पायान, बूबी और परमैन की सोल और उसकी डेड बॉडी, उनके पास अब उनकी केवल 50% आर्मी बची है। अब परमैन की सोल और शिकाना दोनों आमने सामने हैं और पूरी की पूरी आर्मी दोनों की एक साथ लगी हुई है। वहाँ बर्डमैन के पास अपनी पूरी की पूरी पावर्स हैं। यहाँ परमैन की सोल के अंदर चीज़ों को बिना छे उड़ाने की और अलग अलग तरह की पावर्स हैं, लेकिन वो सारी तब तक ही हैं जब तक कि परमैन की सोल परमैन की बॉडी से अलग है। अब परमैन की सोल में बहुत ही तेज गुस्सा है और वो उड़ता है स्टफ टॉय के अंदर रह करके और शिकाना की तरफ बढ़ता है। शिकाना भी उड़ता है, शिकाना भी परमैन की तरफ जाता है और दोनों पहली बार में टकराते हैं। परमैन का स्टफ टॉय पूरे तरीके से फट जाता है और एक बहुत तेज रोशनी आती है और उसकी बहुत सारी आँच पाको की बॉडी पर जाकर के लगती है। उसका हाथ जलने लग जाता है आँच की वजह से। वहाँ बर्डमैन भी अपनी स्पेसशिप में उड़ता है, लेकिन जैसे परमैन का स्टफ टॉय दूर जाके गिरता है, परमैन की जो सोल होती है वो परमैन के स्टफ टॉय से अलग हो जाती है और काफी दूर हो जाती है। अब परमैन की सोल बिल्कुल इनविजिबल है और अब बर्डमैन जैसे उड़ रहे थे वो भी उड़ते हैं और टेलीपैथी के थ्रू जो पर बर्डमैन की पूरी आर्मी थी उन सबको गाइड करते हैं। कुछ भी बोलते नहीं क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी और पावर्स को शिकाना को हराने में लगाना चाहते हैं। वहाँ शिकुरी भी अब जो शिकाना की आर्मी थी उन सबको एक साथ बुलाता है और वो जब पहले अटैक के लिए बोलता है रोबोट आर्मी फायर, वहाँ उनकी रोबोट आर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। शिकाना शॉक में था, शिकुरी भी शॉक में था और बर्डमैन और उसकी आर्मी विद पायन वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब बर्डमैन उड़ते हैं और उड़ते हुए वो भी शिकाना की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन जैसे शिकाना के पास जा रहे होते हैं शिकाना को बहुत जोर से, सबसे पहले वो अपने पॉकेट में से जो उनके पास जो गन रहती है वो जानवर बनाने वाले उसे निकालते हैं और शिकाना की तरफ फायर करते हैं। लेकिन जैसे फायर करते हैं शिकुरी एक पॉलिश सर्फेस मिरर जैसा शिकाना के सामने लगा देता है और वो जो लेज़र होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और बर्डमैन तो कैसे ना कैसे करके बच जाते हैं, लेकिन वो लेज़र लग जाती है बूबी की तरफ। बूबी को जानवर बनने वाले लेजर लग गई, बूबी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, बूबी की बॉडी भी एक तरह से बिल्कुल जल के खत्म सी होने लगी है। लेकिन जब थोड़ी देर रुके पायान बूबी के पास आया, उसने बूबी को अपने हाथों में उठाया, बूबी की बॉडी चेंज हो रही थी, बूबी इवॉल्व हो रहा था, बूबी इंसान में कन्वर्ट हो रहा था एक तरह से। ये जो था जो बर्डमैन की और उसकी टीम के लिए एक लायबिलिटी बनने वाली थी, वही लायबिलिटी आज उनके लिए एसेट है, अभी उनके लिए एसेट है। अब बूबी के पास भी इंसान जैसी पावर्स हैं। शिकाना अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका है क्योंकि उनका जो एक जानवर था उनके पास वो भी अब इंसान बनकर, ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ, पूरे अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वह ह्यूमन बींग्स हैं। अब बर्डमैन, पायान, बूबी भी एक इंसान के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो बर्डमैन अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ फायर करता है शिकाना की तरफ और शिकाना भी अपनी पूरी बची खुची आर्मी के साथ फायर करता है। वो जैसे लड़ते हैं एक साथ, बर्डमैन अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करता है और उनके काफ़ी सारी जो आर्मी होती है, अभी शिकाना के पास काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ आर्मीज थी, उनके पास केवल अभी एक ही बंच खाली है, वो है रोबोट आर्मी का। शिकाना भी अपनी एक आर्मी खो चुका है, लेकिन जो उसने दूसरी आर्मी लेकर के आई थी वो थी गोरिल्ला आर्मी। एक तरह से सुनने में मजाक है, लेकिन हेलन ओवर्स की गोरिल्लास की आर्मी इतनी पावरफुल है कि वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल आर्मी है पूरे हेलन ओवर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ के गोरिल्ला अर्थ के गोरिल्लास जैसे नहीं होते। वहाँ के गोरिल्लास के अंदर जिमनास्टिक पावर्स भी होती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे जो अर्थ के जिमनास्ट होते हैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल और एंथुजियास्टिक और लाइव वायर होते हैं पूरे के पूरे। लेकिन बर्डमैन ने टेलीपैथी के थ्रू और टेलीकाइनेसिस के थ्रू उन सबको कंट्रोल किया और एक तरह से उनको एक साइड में रख दिया। एक साइड में रखने का मतलब है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा शांत हैं और अटैक नहीं कर पा रहे हैं। शिकाना की आर्मी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? वो इसीलिए क्योंकि जब उसने टाइम ट्रैवल करा था तब उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। हाँ, उसने रिकवर करा था, लेकिन उस रिकवरी के बाद भी शिकाना की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। अब शिकाना खड़ा होता है धीरे धीरे करके, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ, उसको मेंटली बहुत ही प्रेशर आ रहा है सिर के अंदर, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, वो आज इन सबको ख़त्म कर ही मारेगा। लेकिन परमैन की सोल भी तो है,
परवन किशोर काफ़ी देर से साइड में थी, लेकिन उसने काफ़ी हिम्मत करके उठने की कोशिश करी और शिकाना की तरफ उसने अपने स्टफ टॉय को फेंका। स्टफ टॉय जैसे उसकी तरफ आ रहा था, वैसे ही शिकाना ने गलती से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से उसे हटाया, और हटाने के बाद क्योंकि उसके हाथ में आग थी, एक तरह से आग सीधे के सीधे जाकर के पाको के पेट पर लगती है और हाथों पर भी, और शिकुरी भी परमन की सोल के सामने। हाँ, पता नहीं उसे कि परमन की सोल कहाँ है, लेकिन वो सब कुछ जो हो रहा था वही परमन की सोल के सामने ही हो रहा था। शिकुरी जान करके दो चाकुओं को फेंकता और दोनों के दोनों पाको की रिस्ट पर जाकर के लग जाते। पाको को बहुत ही तेज दर्द हो रहा है क्योंकि उसके हाथों में से अब लगातार खून बह रहे हैं। वहां जैसे ही पायन शिकुरी की तरफ बढ़ रहा होता है, वो जैसे ही शिकुरी की तरफ बढ़ता है, शिकुरी उसे पंच मारता है और पायन काफी दूर जाकर के गिरता, और इस तरह से गिरता है कि वो सीधे के सीधे परमन की डेड बॉडी से टकराता है, और परमन की डेड बॉडी सीधे सीधे टकराते हुए कूदती है, एक तरह से मतलब उछल सी जाती है, और सीधे से सीधे जहां पाको स्लिप पड़ती है उसके नीचे जाकर के पड़ती है। परमन की डेड बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वहां उसे एक फायदा हुआ है कि जो पाको का खून है अब वो सीधे सीधे परमन की बॉडी के ऊपर टपक रहा है। परमन की बॉडी एक तरह से चमकने लगती है, उसके अंदर से एक अलग तरह की रोशनी से निकलने लगती है, और वहां शिकाना बोलता है, ओह नो, अब तो परमन अपनी सोल में चला जाएगा, परमन अपनी बॉडी में चला जाएगा, और शिकुरी उन्हें उसी टाइम उनके मुंह पर हाथ रख देता और बंद करा देता उनके मुंह को। और उसी टाइम बर्डमैन शिकाना की तरफ बढ़ते हैं, उसे अपनी जानवर बनाने वाली गन से दोबारा अटैक करते हैं, और इस टाइम वो डायरेक्ट जाकर के जो लेजर होती है वो सीधे सीधे शिकाना को लगती है, और शिकाना को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है, लेकिन वो जानवर फिर भी नहीं बनता क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। और वहीं बर्डमैन डायरेक्ट उसी टाइम बोल देते हैं, पायन वो भी एक साथ सारे के सारे, हम तीनों चिल्लाएंगे, मेरे तीन बोलने में तुम्हें पता है ना क्या बोलना है, वो दोनों समझ जाते हैं, हाँ बर्डमैन हमें क्या बोलना है हम समझ चुके हैं। और उसी टाइम बर्डमैन बोलता है एक साथ 1 2 3 और तीनों चिल्लाते हैं, बर्डमैन अपनी डेड बॉडी में वापस जाओ, और ये होते ही बर्डमैन ये बात सुन लेता है और वो अपनी डेड बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन पायन और बूबी को पता कैसे पड़ा, टेलीपैथी के थ्रू, क्योंकि बर्डमैन ने टेलीपैथी के थ्रू उन्हें सिग्नल दे दिए थे उनके माइंड में। अब परमन अपनी बॉडी के अंदर है, परमन रिक्रिएट हो चुका है, परमन की जितनी डेड बॉडी थी जो डेके हो रही थी वो धीरे धीरे करके अब रिकवर हो रही थी, क्योंकि परमन की काफी ज्यादा पावरफुल सोल जो थी अब वो परमन की बॉडी के अंदर है, उसे अब काफी ज्यादा बेटर फील हो रहा है। लेकिन अब परमन की डेड बॉडी नहीं है, वो परमन की लाइव बॉडी है, जिंदी बॉडी है। अब परमन पड़ता है शिकुरी और शिकाना की तरफ, वो दोनों के ऊपर एक साथ जाता है, उसको बहुत ही तेज गुस्सा रहा है, और पाको का खून वहीं बार बार अभी भी टपक रहा है, अभी भी क्लॉटिंग हो रही है उसकी, अभी भी उसका खून क्लॉट होना बंद नहीं हुआ है। पाको को बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, पाको बहुत ही ज्यादा परेशान है, पाको बेहोश हो रही है एक तरह से। बर्डमैन कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बर्डमैन के पास जाता है और उसी टाइम उन्हें वहां से उठा करके पाको के पास फेंक देता है और बोलता है, बर्डमैन आप पाको की हेल्प कीजिए, इन्हें मैं देखता हूं। बर्डमैन गुस्से में आकर के शिकाना की तरफ जाता है, शिकाना को एक पंच मारता है, लेकिन वहां उसका हाथ जलने लग जाता है, वापस से बर्डमैन की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब बर्डमैन का हाथ जलने लगता है, लेकिन वो उस दर्द को इग्नोर करता है, और उसी टाइम पता नहीं कैसे, लेकिन बर्डमैन की टेलीपैथी थी और उसके पास जो साइकिक पावर्स थी उसके थ्रू उसने परमन को एक सिग्नल दिया और बताया कि परमन शिकाना की दुश्मनी मेरे साथ थी, और पिछली बार जब हमने उसे ख़त्म करा था, उसे दफनाया था, उस टाइम हमने सबसे ज़्यादा उसकी नाभि पर अटैक करा था, हमें 101 बार उसकी नाभि पर अटैक करना, वो भी लगातार। परमन को सिग्नल मिलता जाता है, और अब परमन कुछ इधर उधर ढूंढ रहा था, वो इधर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जो थोड़ी पॉइंटेड हो, जो थोड़ी मतलब उस तरह के जो जले नहीं आराम से, परमन ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा मिल ही नहीं रहा था, क्या करता वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वहाँ पाको के हाथों में चाकू लगे हुए थे, वो दोनों चाकू को एक साथ लाता है, और बर्डमैन उन्हें पिघला करके एक सिंगल चाकू में कन्वर्ट कर देता है, और उसके अंदर जानवर बनाने वाले लेजर की पावर डाल देते हैं, और साथ ही साथ में अब उस जो चाकू था
वो था तो स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, लेकिन बर्डमैन उसे डायमंड में कन्वर्ट करता क्योंकि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी डिग्री सेल्सियस। अब बर्डमैन पूरी पावर के साथ शिकाना की नाभि पर लगातार अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम शिकुरी उसके पास में आ जाता है और शिकुरी बर्डमैन को बहुत ही तेज तरीके से बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन वहाँ पायान और ह्यूमन बूबी वो एक साथ मिलकर के शिकुरी को एक तरह से फाड़ देते हैं अंदर से, क्योंकि शिकाना तो शिकुरी तो सामने से आ रहा था, बर्डमैन भी सामने से आ रहा था, लेकिन पायान और बूबी साइड में से आ रहे थे। वहाँ बर्डमैन को लगी, लेकिन उस एक्शन रिएक्शन की वजह से शिकुरी भी पीछे जा सकता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, इस वजह से उसी जगह पर रहा। लेकिन बर्डमैन काफ़ी दूर जाकर गिरा, उसकी रिबाउंड वेलोसिटी डबल हो चुकी थी और उसकी वेलोसिटी में भी ऐड हो चुकी थी रिबाउंड में। अब पायान और बूबी स्टेशनरी शिकुरी को, यानी खड़े हुए शिकुरी को, क्योंकि उसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, उसे दोनों तरफ से पकड़ता, उसके पहले हाथों को पकड़ते, एक हाथ से दोनों उसके हाथों को पकड़ते दोनों को, और उसके बाद में पायान उसके दूसरे हाथ से पकड़ता है शिकुरी के कमर को और वो भी पकड़ता उसके गले को, दोनों नाखून लगाते हैं और शिकुरी की बॉडी को एक तरह से फाड़ देते हैं। शिकुरी वन स्टेप डाउन था, उसकी यही कमजोरी थी कि वो किसी भी ह्यूमन के तरीके से मर सकता है। शिकुरी एक तरह से खत्म हो चुका है बुरे तरीके से। शिकाना उसे रिकवर कराने जा ही रहा था, लेकिन वो भी उसे रिकवर नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि अब बर्डमैन जहाँ बैक जाकर के गिरा तो था, लेकिन अब उसे और तेज गुस्सा आया और पूरे फुल वेलोसिटी के साथ में उसे शिकाना के ऊपर गया, और हाँ उसने टच भी कर लिया उसे और वो जल भी रहा था, लेकिन उसने दर्द को इग्नोर करा और चिल्लाते हुए शिकाना की तरफ गया 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 और उसे जोर से मारने लग रहा था। बार 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 उसकी नाभि पर खट 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 करके बहुत तेज मार रहा था उसी चाकू से, उसी डायमंड के चाकू से। चाकू भी मेल्ट होने लग गया था, लेकिन उस टाइम जब उसका फाइनल अटैक होना था उसने 100 अटैक्स कर दिए। अब शिकाना के ऊपर केवल एक अटैक बाकी है और उसके बाद शिकाना काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। जैसे उसे पिछली बार दफन करा गया था, इस बार दोबारा से उसे दफन करा जा सकता है। अब जैसे ही बर्डमैन लास्ट टाइम अपना हाथ पीछे करा, उसका हाथ पीछे रुक सा गया, शिकाना भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका है और लास्ट टाइम एक तरह से हंसते हुए बोलता है, बोलने के बाद शिकाना एक तरह से बेहोश सा हो जाता है और बर्डमैन इतना ज्यादा गुस्सा होता है वो अपने बैच को अपने मुंह में लेता है और शिकाना का गला पकड़ते हुए जलते हुए हाथों के साथ और पूरे तड़प के अंदर वो शिकाना को उठाता है और पूरी ताकत से पैरेलल यूनिवर्स के अंदर भी निकल जाता है। लेकिन वहां भी वो जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे जाने के लिए काफी ज्यादा ऑक्सीजन थी और यूनिवर्स का टेम्परेचर जो है वो होता है 3 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, और एग्जैक्ट होता है 2.7 केल्विन, जो कि इतना कम होता है, इतना कम होता है -270 डिग्री सेल्सियस, और ये किसी भी इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। वहाँ पे आप रिएक्शन भी करोगे, रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिलेगा, उतने में आपकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी और फूल के ख़त्म हो जाएगी। यूनिवर्स अब बर्डमैन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। वो जैसे जा रहा था लेकिन बर्डमैन उसे रोकते हैं और रोकने के बाद कहते हैं, बर्डमैन तुम मेरी स्पेसशिप में बैठ के जाओ और शिकाना को बांध के लेकर के जाओ, मैं तुम्हें डायमंड की एक रस्सी कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। वो एक नॉर्मल नायलॉन की रस्सी को डायमंड की रस्सी में कन्वर्ट करते हैं और शिकाना को उस रस्सी से बांध करके ले जाया जाता है और वो लटक रहा था यूनिवर्स तीनों वर्सेस के बीचों बीच हीरा ताना शील्ड के साथ में, उनके सारे के सारे जेम्स को एक साथ लाया जाता है शिकाना के पास टाइम जैम और लाइट जैम में, और बर्डमैन एक वर्स जैम में। बर्डमैन अपनी बॉडी को अब एक तरह से फाड़ने की कोशिश करता है लेकिन फाड़ नहीं पा रहा, लेकिन
वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार है। वो अपने आप को फाड़ता है और हीरा तना शील्ड को वर्ल्ड जैम के साथ में पूरा करता है। उससे पहले वो टाइम और लाइट जैम को शिकाना से छीन कर उसके अंदर रखता है और अपने आप को फाड़ता है। और उसके पास अब टाइम नहीं है रिएक्शन का, वो अपने दिल को जैसे ही फाड़ेगा वैसे उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन तभी वो कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद में वो जैसे अपने दिल को फाड़ता है उसी टाइम उसकी डेथ सी हो जाती है। और पाको वहाँ पर आती है, वर्ल्ड जैम को उसके अंदर लगाती है और फाइनल अटैक के साथ में उसके बीच में बर्डमैन के डायमंड के चाकू को रख करके शिकाना के नाभि में घुसाती है और शिकाना चिल्लाता है। और इसके बाद में शिकाना बहुत कमजोर हो जाता है, बर्डमैन उसे इंस्टेंटली एक कफन के अंदर दफन कर देते हैं। और बर्डमैन का दिल तो नहीं है, अब बर्डमैन की एक तरह से डेथ हो चुकी है। लेकिन बर्डमैन आते हैं और उसे फर्स्ट एड देते हैं और जैसे तैसे करके इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है लेकिन वो फर्स्ट एड दे सकते हैं। और अब बर्डमैन के पास लास्ट के 2 घंटे हैं, अगर वो इन 2 घंटों के अंदर उसका दिल को ठीक नहीं करा गया तो उसकी फाइनल डेथ हो जाएगी। और अभी बर्डमैन के पास उन 2 घंटों के अंदर उसकी आँखें खुली, वो सब कुछ देख सकता है। अब जब वो देख पा रहा है कोई रिएक्शन नहीं दे सकता, लेकिन उसी टाइम में पाको इतना फूट फूट कर रही है, पाको के भी हाथों से खून निकल रहा है, पाको भी एक तरह से बेहोश होने वाली है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है शिकाना की वो डेथ हुई है या नहीं, कुछ भी नहीं पता। वो चिल्लाया उसे कफन के अंदर दफन कर दिया गया है। लेकिन पाको भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, परमैन भी केवल देख सकता है और रोते 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 उसका एक आंसू, बल्कि एक क्या पाको के 10 से भी ज़्यादा आंसू परमैन की बॉडी पे गिरते हैं। और परमैन की बॉडी पता नहीं क्यों अचानक से हील होने लगती है और पाको अपना मास्क उतार देती है और परमैन को विदाउट एनी रिएक्शन पाको का रियल फेस देखना पड़ता है। उसके रियल बॉडी ने, उसकी सोल ने एक साथ मिलकर के पाको का चेहरा देख लिया है। अब देखना यह है कि जब परमैन होश में आएगा तब उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो पाको के साथ वापस से पैचअप करेगा या उससे नाराज हो जाएगा कि उसने आज तक बताया नहीं कि वो सुमिर है। क्या होगा आगे, शिकाना का भी पता नहीं कि वो डेड है या नहीं, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आपको इस चैप्टर के ऊपर लेकर आने 1.6 के लाइक्स लेकर आइएगा, पता पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि शिकाना डेड है या फिर नहीं। और पाको की आइडेंटिटी जब परवेन को पता पड़ती है तो परवेन का रिएक्शन क्या होगा, जब परवेन ठीक हो जाएगा या फिर वो ठीक होगा भी या नहीं, क्या ये स्टोरी इसी तरह से खत्म हो जाएगी, क्या ये एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी बन के रह जाएगी, क्या परमैन मर जाएगा और शिकाना वापस आ जाएगा और इस बार तीनों वर्ल्ड के ऊपर काबू पा लेगा, क्या होगा आगे। स्टे ट्यून्ड टू पीपल परमैन कनिंग टू सी द नेक्स्ट चैप्टर, ब्रिंग 1.6 लाइक्स एंड देन यू विल गेट द नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय, टेक केयर, साइन आउट। और भूलना मत, परमैन के पास आखिरी के 2 घंटे हैं, शिकाना का पता नहीं कि वो डेड है या नहीं और परमैन का रिएक्शन क्या होने वाला अगर वो जिंदा रहता है तो। गुड बाय।